सुल्तानविंड रोड निवासी महिला के दुष्कर्म में आरोपी बेटे का केस रफा दफा करवाने, जमानत दिलवाने के नाम पर रिश्तेदार बहन और भांजे की ओर से 28,44,000 रुपए ठगने का केस सामने आया है। आरोपियों के साथ पुलिस ने एक वकील पर भी केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता महिला से आरोपी मां बेटे ने तत्कालीन SHO बी डिवीजन के नाम पर 6,00,000, हाईकोर्ट के वकील के नाम 6,00,000 लेने का अलावा जमानत के लिए 8,50,000 लेकर जाली ADR भी भेजी थी। इसके अलावा विरोधी पक्ष के वकील और महिला मंडल की एक प्रधान के नाम पर भी पैसे ऐसे लिए। मामले की कड़िया खुलने के बाद शिकायतकर्ता महिला सुल्तानवीर रोड निवासी चरणजीत कौर ने पुलिस में शिकायत दी, जिसके बाद रिश्ते और भांजे नीति खेड़ा और बहन मंजू खेड़ा निवासी बस्ती गुजर जलंधर और पड़ोसी वकील लखन गांधी के अलावा सुल्तानवीर रोड निवासी अमनदीप सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी व अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। चरणजीत कौर लेडी से उन्हें मुकदमा दर्ज कराया जी, उसके लड़के दे गैंगरेप का पर्चा दर्ज सी, वकील साहब ने जमानत कराने लई एक जाली FD तैयार करा के उन्होंने दे दी सी, तो उसके संबंध में इन्होंने अरैसट किया है। ये 8.5 लाख रुपए की जाली FD सी, टोटल होर चार दोषी है, चारों दोषियों को फड़ांगे, सारे ने वक्री एक दिन का रिमांड मिलेगा। साडे एक जलंधर तो एडवोकेट लखन गांधी, उन्होंने पुलिस ने कल एक केस झूठे केस दे विच अरैसट कर लिया सी बी डिवीजन थाने, तो अज उन्होंने पेश किया गया, जिदे जिहड़े FIR दे एलीगेशन सी ओह ए सी कि वकील साहब ने जिहड़ी अपनी फीस लई ते जिहड़े बाकी रिश्तेदार ने मदई दे उन्हें होर पैसों की जिहड़ी आ ठगी मारी है, तो वकील साहब के खिलाफ सिर्फ यह है कि इन्होंने अपनी फीस जी ली आ, फीस लेना जिहड़ा एक वकील का जिहड़ा राइट हैगा, क्योंकि वकील ने अपनी फीस जी लैके नहीं 28,00,000 कोई फीस नहीं हैगी, 28,44,000 जिहड़े उहदे रिश्तेदार ने भैन भनेवां है उन्होंने लए ने, ठीक है। पुलिस ने जिहड़ा उन्होंने अरैसट नहीं किया, जिहड़े मेन अक्यूज ने वकील साहब नूं अरैसट कर लिया, वकील साहब के खिलाफ सिर्फ 25,000 रुपए जिहड़े लैण दे ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 25,000 ਰੁਪਏ ਲਏ ਆ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ 25,000 ਰੁਪਏ, ਤੇ 25,000 ਕੀ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਮਦਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਸੋਨੂ ਸੋੜੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।